बेस्ट रेफर एंड अर्निंग एप्लीकेशन के बारे में अगर आपको जानना है, मैं आज एक ऐसा जेन्युइन एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा जो एप्लीकेशन आपको अच्छा खासा पैसा दे सकता है पर रेफर पर। तो आज एक ऐसा एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा जो एप्लीकेशन ना आपको पर रेफर पर 1000 रुपीज़ दे सकता है। पर यह भी बताऊंगा कि वो लोग आपको पर रेफर पर 1000 रुपीज़ देते हैं क्यों, और इससे उनका क्या फ़ायदा होगा, और आपका क्या कोई ऐसा नुकसान भी हो सकता है कि इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने से और इसमें साइन अप करने से। तो अगर आपको जानना है तो वीडियो देखिए एंड तक। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रसन्नजीत नाथ और आप देख रहे हो प्रीतिराज नाथ यूट्यूब चैनल। तो मेरे दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूँ कि कौन सा ऐसा एप्लीकेशन है जिसमें आप अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हो पर रेफर पर। तो मार्केट पर ढेर सारा एप्लीकेशन है अवेलेबल जिन एप्लीकेशन को डाउनलोड करके पैसा अर्निंग किया जा सकता है, और अगर उन्हीं एप्लीकेशन के बारे में नॉलेज गेन करना है तो हमारे साथ जुड़े रह सकते हो। मैं सारा एप्लीकेशन का रिव्यू दूंगा कि कौन सा एप्लीकेशन रियल है। मेरा चैनल पर जितना भी एप्लीकेशन के बारे में वीडियोज़ मिलेगा, हर एक ऐप से आप पैसा अर्न कर सकते हो। तो अगर आपको अर्निंग करना है तो इन टिप्स को फॉलो कर सकते हो। तो पहला चीज़ ये है कि अपस्टॉक नाम पर एक ऐसा एप्लीकेशन है, जो एप्लीकेशन है शेयर मार्केट से रिलेटेड, उसमें आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो, ठीक है। तो उसमें अगर आप अकाउंट ओपन करोगे तो आपको 1000 रुपीज़ मिल सकता है, सकता है नहीं, मिलेगा ही, ठीक है। तो पर दिक्कत ये है कि इसमें अकाउंट ओपन करने के लिए आपको 300 रुपीज़ पे करना पड़ता है। कभी कभार ये फ्री हो जाता है, जब फ्री हो जाता है तब आपको रेफर का पैसा कम मिलता है, ठीक है। मान लो आपने पे कर लिया 300 रुपीज़ तो आपको 1000 रुपीज़ मिल सकता है, ठीक है। अगर आप किसी दोस्त को रेफ़र करोगे तो शायद 300 रुपीज़ ज़रूरत होगा, तो आप वो पैसा देकर उसको अकाउंट खुलवा सकते हो, तो आपको 700 रुपीज़ अर्निंग हो जाएगा। तो आप वो सिस्टम कैसे कर सकते हो, तो अगर आपको भी करना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हो उस अपस्टॉक एप्लीकेशन को मेरा लिंक से, और डाउनलोड करके अपने दोस्त को रेफ़र कर सकते हो। तो अगर आपने अपना साइन अप प्रोसेस कंप्लीट कर लिया तो उसके बाद आप किसी दोस्त को रेफ़र कर सकते हो। आपका जो लिंक है रेफर एंड अर्निंग का लिंक होगा, उसी लिंक रेफ़र करके आप दोस्त को इंस्टॉल करवा सकते हो। पर इसको इंस्टॉल करने के लिए कुछ रिक्वायर्ड होता है डॉक्यूमेंट का। तो पहला चीज़ है कि आपका आधार नंबर होना ज़रूरी है, और आधार नंबर पर मोबाइल नंबर लिंक होना बहुत ज़रूरी है। और नंबर टू है कि आपका जो पैन कार्ड है ना, वो भी होना बहुत ज़रूरी है। आपका पैन कार्ड भी होना ज़रूरी है और आपका आधार पर मोबाइल नंबर लिंक होना भी ज़रूरी है, और आप ऐसा बैंक का अकाउंट भी आपका होना ज़रूरी है जो बैंक पर आप इंटरनेट बैंकिंग भी कर सकते हो, UPI बैंकिंग भी कर सकते हो, और आपका उस बैंक का ATM है आपके पास। तो ऐसा एक बैंक आप लिंक कर सकते हो जिस बैंक का ATM आपके पास है, ठीक है, तभी आप रेफर करके पैसा अर्न कर सकते हो। क्योंकि ATM अगर ना हो तो उसमें आप पैसा ऐड नहीं कर सकते। इससे क्या होगा, आप अगर दोस्त को रेफ़र करोगे तो ढेर सारा पैसा मिल जाएगा, पर इसमें क्या होता है कि अगर आप दोस्तों को रेफ़र करके पैसा जितना भी अर्निंग करोगे वो पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते, क्योंकि वो लोग कहते कि पहले आप 100 रुपीज़ हमारे अंदर डालो, ठीक है, हमारे ऐप पर डालना होगा। तो आपको रेफ़र करने के बाद भी आपको 100 रुपीज़ डालकर किसी भी कंपनी का शेयर को ख़रीदना होगा, तो ख़रीदने के बाद ही आप अपना पैसा वापस ले सकते हो। तो अकाउंट को कंप्लीट करने के बाद आपको 100 रुपीज़ इसमें डालना होगा, और डालने के बाद वो पैसा देकर शेयर ख़रीदना होगा, और उसके बाद खरीद के बेच के वो पैसा भी विड्रॉ कर सकते हो। इससे आपका जो डीमैट अकाउंट है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको उन्हीं स्टेप को फॉलो करना होगा। तो उन्हीं स्टेप को फॉलो करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपका बैंक का ATM होना तो बहुत ज़रूरी है। इससे अलावा आप कैसे पैसा ऐड करोगे, पैसा ऐड करने के लिए तो आपको OTP देना होगा ना, तो आपका बैंक पर भी मोबाइल नंबर लिंक होना बहुत ज़रूरी है। तो आपको मैं कहूँगा, रिकमेंड करूँगा कि ऐसा एक बैंक पर अकाउंट ओपन कर लो, जैसे कि आप SBI पर कर सकते हो, HDFC पर कर सकते हो, या किसी भी बैंक पर कर सकते हो जिस बैंक पर इंटरनेट बैंकिंग का सिस्टम अवेलेबल है, ठीक है,
कुछ कुछ ऐसा भी बैंक है जिसमें इंटरनेट बैंकिंग का बेनिफिट नहीं मिलता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ग्रामीण बैंक है, ठीक है, तो उसमें इंटरनेट बैंकिंग का बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलता है, तो आपको ग्रामीण बैंक नहीं लिंक करना है। तो उसी बैंक किसी एक बैंक पर अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है। तो आपको पहले आपका बैंक अकाउंट बनाना होगा, पैन कार्ड क्रिएट करना होगा, मोबाइल नंबर आधार पर लिंक करना होगा, उसके बाद ही आप ये बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। तो मेरे दोस्तों आई होप आपको मैंने बता दिया कुछ जानकारी, तो आप उन्हीं बिजनेस को कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, मैं गॉड ब्लेस यू, गुड बाय।